हेलो नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। या भी हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज है सैटरडे तो आर्टिकल कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है, तो हम एक एक्स्ट्रा आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे वुमेन सेफ्टी के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द हिंदू के। सबसे पहले यहाँ पे साइड में जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन्स के लिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं, कुछ भी नए पॉइंट है नहीं, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो ये आर्टिकल साइड में बड़ा आर्टिकल, ये एक्चुअली है ओबीसी और कांग्रेस को लेके है, तो पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड आर्टिकल है। हमारे लिए एग्जाम के लिए कोई भी पॉइंट यहाँ पे काम का नहीं होता है, तो इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नीचे जो ये आर्टिकल है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में एक्चुअली रिपार्टिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2003 के बारे में डिस्कस किया गया है। देश प्रत्यार्पण जो एक्ट है 2003, उसको बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या एक्ट है, क्या इसके फीचर्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइड में जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक्चुअली ये बताया गया है कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड अंडर 20 की चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें हमारे देश की जो हिमा दास थी आसाम से, उसको गोल्ड मेडल मिला है। तो उसके बारे में बताया गया कि देखो खेलो इंडिया प्रोग्राम को गवर्नमेंट प्रमोट करी है, तो इसमें और भी ज़्यादा हमें अपना पार्टिसिपेशन वगैरह बढ़ाने की जरूरत है, ताकि गवर्नमेंट का जो वादा है या गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम डिसाइड कर रखे हैं कि भाई हमें 2020 के ओलंपिक में मेडल जीतने काफ़ी ज़्यादा 2024 में, वो सब गवर्नमेंट तभी अचीव कर पाएगी जब गवर्नमेंट इस खेलों पर और ज़्यादा फोकस है वो कर पाएगी। तो इसी के बारे में बेसिकली इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। तो कुछ खास पॉइंट है नहीं, जो कंटेक्स्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, यूपीएससी के बारे में पूछ सकती है। इसके अलावा जो एक आर्टिकल है वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे यहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेके। वुमेन सेफ्टी के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि देश प्रत्यावर्तन संधि या जो एक्ट है क्या है, वो एक्ट के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। देखो रिपार्टिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2003 है, इसके बारे में आर्टिकल में एक तो केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी कुछ इस प्रकार है कि भाई एक यूथ है इंडिया का, वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाता है बाई चांस गलती से, तो फिर उसको जो सज़ा होनी है वो एक्चुअली पाकिस्तान में होने की बजाय इंडिया में होनी चाहिए। टीसी वगैरह के बारे में कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि रिपार्टिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है क्या। देखो इस एक्ट का मेनली प्रावधान ये है, ये एक इसलिए बनाया गया है ताकि जैसे ये मान लो कि इंडिया का कोई कैदी है, इंडिया का कोई आदमी है, अगर वो ये मान लो कि दूसरी कंट्री में जाता है और उसने वहाँ क्राइम कर दिया, तो उसको जो सज़ा मिलनी है वो दूसरी कंट्री में मिलने की बजाय इंडिया में ही मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि इसके साथ बहुत से इश्यूज हो जाते हैं कई बार कि देखो एक तो इंसान यहाँ से दूसरी कंट्री में गया, तो हो सकता है कि वहाँ उसको एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा हो, इसके बाद वहाँ पे फूड वगैरह सिस्टम भी बहुत अलग होगा, लैंग्वेज वगैरह बहुत अलग रहेगी, तो उसको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ इमोशनल इश्यू भी रहेंगे, क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं समझ पाएगा, तो बातें नहीं एक्सप्लेन करने के लिए उसको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में बात आती है हेल्थ इश्यू, कई बार हेल्थ का भी बहुत बड़ा इश्यू रहता है, लोनली फील करना है, इसी ये बेसिकली इशू भी यहाँ पे कवर है, वो किया गया है। मतलब राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि जो रिपार्टिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है, इसका बेसिकली मेन फीचर यही है कि जो भी कोई आदमी है, कोई भी इंसान है, अगर उसने कहीं भी दूसरी कंट्री में जाके क्राइम किया है, तो उसको वापस उसे अपनी ही कंट्री में सजा मिलनी चाहिए। इसको लेके एक्ट है, या बोल सकते हो बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट ने एक्ट तो बना दिया है, बट इस एक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक इस एक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है, इसलिए हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। इसके बाद में राइटर ये बता रहे हैं कि देखो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटी हैं जो प्रिजनर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको एक्चुअली से उनको कंजर उनको उनको संभालने के लिए या बोल सकते हो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी हेल्प है वो करती हैं। जैसे यहाँ पे बात की जाती है कि वीना कन्वेंशन की, तो ये भी हमें ध्यान रखना है वीना कन्वेंशन किस लिए। इसके बाद में बात की जाती है यूएन मॉडल एग्रीमेंट ऑन द ट्रांसफर ऑफ फॉरेनर प्रिजनर्स, मतलब जो फॉरेन के जो अपराधी हैं उनको वापस ट्रांसफर किया जाए उनकी कंट्री में और वहाँ उनको सजाए बेसिकली दीजिए। इसके बाद में बात की जाती है कि ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेनर प्रिजनर्स 1985 का एक्ट है उसकी बात। देखो राइटर का यहाँ पे बेसिकली दो तीन पॉइंट और दिए गए हैं कि कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं कि इस कंडीशन में जो भी अपराधी है उसको एक्चुअली उसकी कंट्री में वापस भेजा नहीं जा सकता। जैसे कि या तो उसको किसी कंट्री के द्वारा डेथ पेनल्टी दी गई है, तो उस कंडीशन में भाई उसको अपनी कंट्री में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि डेथ पेनल्टी तो उसी कंट्री में दी जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसे किसी मिलिट्री लॉ के तहत पकड़ा गया है, तो उस कंडीशन में भी उसको अपनी कंट्री वापस नहीं भेजा जा सकता। या फिर हो सकता है कि उसे सजा दी गई है वो 6 महीने से बहुत कम की है, मतलब 2-3 महीने की सजा दी गई है, 5 महीने की सजा है, तो वैसी सजा है वो एक्चुअली उसे उसी कंट्री में फुलफिल है वो करनी होगी। या फिर राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि दो कंट्रीज के बीच में ऐसा इश्यूज हो, तो दोनों कंट्रीज के जो एक्ट वगैरह वो ऑलमोस्ट सिमिलर से होने चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे राइटर कुछ एग्जाम्पल और भी दे रहे हैं
कि देखो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे कुछ स्टेप है उनको भी उठाने होंगे और सभी कंट्रीज को एक्चुअली एक साथ मिलकर आना होगा। अगर इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये होंगे जो भी प्रिजनर्स हैं वो अपनी कंट्री में अपना माहौल है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही बात क्या होगा कि बायलेटरल रिलेशन है वो बढ़ेंगे और जो ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड पे कि भाई मानवता के लिए काम करना है उसमें भी काफी हद तक सफलता मिलेगी। आप इसका वैसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लो कि कोई इंडिया का आदमी है अगर वो स्पेन वगैरह में जाके कोई क्राइम करता है तो उसे वहाँ की जेल में रखा जाएगा तो उसके साथ लैंग्वेज का इशू रहेगा, खाने पीने का बहुत से इश्यूज वहाँ पे उसके साथ इंक्लूड रहेंगे, वेदर वगैरह का भी इश्यू हो सकता है। तो ऐसे माहौल में क्या होगा, इसका बेटर यही होगा ना कि इंडियन गवर्नमेंट है वो स्पेन की गवर्नमेंट के साथ अगर इस तरीके की ट्रीटी वगैरह करके रखें तो उसको वापस इंडिया बुलाया जा सकता है और फिर जो बाकी उसकी सजा है वो इंडिया में ही कवर है वो की जा सकती है। तो गवर्नमेंट को ऐसे एक्ट बनाने चाहिए और इस एक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट करने की काफी जरूरत है। राइटर की और भी यहाँ पे डायमेंशन दी गई हैं कि देखो कई बार अगर अपराधी काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज के होते हैं कि उन्होंने ऐसा क्राइम किया कि उसको उसी कंट्री में सजा मिलनी है, जैसे मान लो कि उसे मिलिट्री ला के तहत अरेस्ट किया गया और फिर उसको अगर कोई भी उसके ऊपर एक्टिविटी चल रही है तो उस कंडीशन में उसे दूसरी कंट्री या उसके अपनी कंट्री में नहीं भेजा जाएगा। फिर यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इंडिया को इससे फायदा क्या होगा। राइटर ये बता रहे हैं कि देखो इंडिया की बात ऐसी है कि इंडिया के मैक्सिमम बहुत से लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं और इंडिया को उनके थ्रू रेमिटेंस है वो भी मिलता है। क्योंकि रेमिटेंस कैसे मिलेगा, अगर इंडिया के लोग बाहर रह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बाहर रह रहे तो पैसा कमाएंगे फॉरेन कंट्रियों में, अगर वो फॉरेन कंट्रियों में पैसा कमाएंगे तो बेसिकली बात अभी वो इंडिया पैसा भेजेंगे अपने परिवार वालों को या इंडिया आएंगे तब भी। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेगा, इंडिया आएंगे तो वो डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी वो इंडिया लेके आएंगे फिर वो यहाँ पे इसका आके उसको कन्वर्ट करवाएंगे तो ऑब्वियसली इससे इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा और इंडिया को बहुत से बेनिफिट भी होते हैं। और इंडिया के काफी लोग हैं वो एक्चुअली फॉरेन की जेलों में एक्चुअली कैद हैं और अगर इंडिया इस तरह की डील साइन करता है तो वो लोग आराम से इंडिया में आके मतलब सजा काट सकते हैं, जिससे उनके रिलेटिव वगैरह वो भी उनसे मिल सकते हैं और एक तरीके से जो सिंपैथी की बात है या बोल सकते हैं इमोशंस हैं उनके ऊपर भी काफी हद तक हमें सफलता है वो यहाँ पे मिल सकती है। इसके अंदर राइटर बता रहे हैं कि देखो जो इंडिया के पास जो मैक्सिमम कैदी हैं वो या तो पाकिस्तान से हैं या फिर देखा जाए तो मैनली है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो मैक्सिमम कैदी हैं वो तो हैं एक्चुअली रिफ्यूजीज के वाला इश्यूज की वजह से कि इलीगल तरीके से उन्होंने माइग्रेशन कर लिया इंडिया में इसलिए वो जेलों में है। तो अगर इंडिया इस तरीके की ट्रीटी साइन करता है और उसको ढंग से इंप्लीमेंट करेगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो बांग्लादेशी वगैरह हैं वो वापस अपनी ही कंट्री में चले जाएंगे जिससे इंडिया को ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं रहेगा और इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे इस आर्टिकल में कुछ कंप्लीट पॉइंट थे जो मैंने आप आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो गोल्ड मेडल को लेके आए हैं कि भी वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप चल रही थी उसमें हमारे देश की नॉर्थ ईस्ट की जो हिमा दास है उसको अभी गोल्ड मेडल मिला है। तो उसी के लिए राइटर बता रहे हैं कि देखो हमें हमारे देश में इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा स्पोर्ट्स के लिए, इसके साथ ही हमें खेलो इंडिया प्रोग्राम है उस पर और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हम अलग से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी को लेके। तो इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इस आर्टिकल में देखो बेसिकली स्टार्टिंग की गई है एक रिपोर्ट को लेके कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है थॉमसन रियोटन फाउंडेशन, इसने एक अपनी रिपोर्ट या बोल सकते हो इसने एक अपना पोल है वो पब्लिश किया कि भाई और उस पोल में क्या कहा गया, इस पोल में ये कहा गया या इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि इंडिया में जो वुमेन की हालत है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। मतलब सीरिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, यमन हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वहाँ से भी बुरी कंडीशन है इंडिया में वुमेन की, ये इस रिपोर्ट में बेसिकली कहा गया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को साफ साफ नकार दिया कि भाई ये रिपोर्ट बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एक चाल है इंडिया की छवि वगैरह को खराब करने के लिए, वो सारा सीन यहाँ पे चला। तो देखो इस रिपोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया आधार किए, मतलब कुछ पैमाने या कुछ मापदंड लिए, उस आधार पर उन्होंने सर्वे वगैरह या पोल वगैरह तैयार किए थे। जैसे उन्होंने हेल्थ केयर टॉपिक पे, इसके साथ उन्होंने कल्चरल टॉपिकों को इंक्लूड किया, ट्राइबल और रिलीजियस जो फीचर्स हैं इन आधार पर उन्होंने सर्वे किया इंडिया में और उसके आधार पर चीज सामने है कि इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा क्राइम है इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, मतलब इंडिया में वुमेन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया। इसके अलावा देखें तो 2011 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी इस फाउंडेशन की, थॉमसन रियोटन फाउंडेशन की, तो उसमें एक आ गया था कि इंडिया है वो फोर्थ नंबर पर और आज देखा जाए तो इंडिया पहले नंबर पर पहुँच गया। तो देखो गवर्नमेंट ने तो साफ साफ नकार दिया और भी जो इंडिया के इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उन्होंने भी मना किया कि भाई देखो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो इंडिया की छवि खराब करना चाहती हैं क्योंकि इंडिया वो आज के टाइम पे वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको खटक रही है और इसीलिए वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे इंडिया की बेइज्जती की जाए, कैसे ना कैसे इंडिया को नीचा दिखा जाए और इंडिया की छवि खराब करने के लिए उन्होंने ऐसा स्टेप है वो उठाया। तो देखो जो राइटर हैं वो भी यहाँ पे कुछ हद तक तो इस बात से सहमत हैं कि हाँ देखो वेस्टर्न कंट्रीज ने ओबियसली ऐसा करने की कोशिश की है, बट फिर भी राइटर ऐसा बता रहे हैं कि देखो कोशिश तो की गई है उनके द्वारा बट हमारे देश में रियल में ही वुमेन की हालत ठीक नहीं और हमें स्टेप उठाने की जरूरत है। तो यहाँ पे राइटर कुछ सजेशन भी देने वाले हैं और कुछ पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल सकते हो कि इनके द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि देखो जो पांच पैमाने उन्होंने इंक्लूड किए हैं
थॉमसन रियोटन फाउंडेशन ने, जैसे कि उन्होंने पैमाना लिया एक तो हेल्थ का, कल्चरल, इसके साथ ट्राइबल, रिलीजियस से जो कुछ फीचर्स थे, इन आधार पे उन्होंने जो पब्लिश किया है, अगर जो रिपोर्ट पब्लिश की है, इसमें उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया कि देखो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। आपको पता है कि इंडिया में हर स्टेट में देखा जाए तो हर स्टेट की बात तो दूर है, हर छोटे छोटे एरिया में लैंग्वेज वो चेंज होती रहती है, लैंग्वेज की बात में, धर्म की बात करें, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, विविधता इतनी भरी पड़ी है कि आप कुछ कोई भी क्राइटेरिया ढंग से यूज़ हो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एरिया की अपनी अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, उसकी अपनी अलग अलग डिमांड होती है, वहाँ का अपना अलग अलग कल्चर होता है, वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं वो रहते हैं, तो इसलिए आप एक ही पैमाने आप बोल सकते हो कि एक ही फिक्स जो फ्रेमवर्क है उसके आधार पर पूरे देश का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मामले में आपको हर जगह अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग पैमाने तैयार करने चाहिए थे, तभी अच्छा रिजल्ट सामने मिलता। इसके बाद में राइटर ये बता रहे हैं कि देखो बात की जा रही है रेप जैसे केसों की, तो ये एक्चुअली वुमेन का इश्यू ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, ये इश्यू ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जा सकता है, कि अभी रिसेंटली से सीरिया में जो वॉर चल रहा था, ISIS का अटैक चला था, अफगानिस्तान में चला था, वहाँ भी वुमेन के साथ रेप कम नहीं होते हैं, सभी कंट्रीज में वुमेन की हालत ठीक नहीं है, वहाँ पे भी वुमेन के साथ अगेंस्ट बहुत बड़े क्राइम हो रहे हैं, तो वहाँ भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ये कुछ हो रहा है, ये इश्यू इंडिया का नहीं है, ये इश्यू ऑल ओवर वर्ल्ड में वुमेन के लिए है। मतलब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो भाई जो ये इश्यू बता रहे हैं रेप जैसे केसेज, ये अकेले इंडिया में नहीं हो रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहे हैं, तो ये इश्यू वुमेन का है, इसे के लिए आप इंडिया से कनेक्ट करके मत देखिए। फिर यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो जो पाकिस्तान हुआ, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज हैं, वहाँ पे तो वुमेन के पास बिल्कुल राइट ही नहीं है, वहाँ पे तो वुमेन को ड्राइविंग वगैरह के लिए भी अभी अनुमति रिसेंटली दी गई है, वहाँ पे उनको तो बाहर सिंगल घूमना वगैरह भी अलाउ नहीं है। मतलब इंडिया ने तो वुमेन को इतनी ऑटोनॉमी दे रखी है, इसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि वुमेन के लिए सेफ्टी नहीं है? उन कंट्रीज में तो वुमेन के साथ कोई वुमेन के साथ तो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं, तो वहाँ पे तो उनकी लाइफ और ज़्यादा खतरनाक है वो हो जाती है। इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि देखो वुमेन सेफ्टी है वो इस चीज़ को ऑब्वियसली हम मानते हैं कि एक बिग चैलेंज है, इंडिया के लिए ही नहीं सभी कंट्रीज के लिए वुमेन सेफ्टी हमें सबको इंश्योर कर वो करनी होगी, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो मानवता कहीं ना कहीं जो शर्मसार हो रही है इसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं और हमें ही कोई ना कोई स्टेप है यहाँ पे उठाने होंगे। बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया की छवि वगैरह खराब कर रही हैं, बट फिर भी हमें हमारे लेवल पे स्टेप तो उठाने ही होंगे। राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इस चीज़ का बहिष्कार करने से कोई सोल्यूशन नहीं है कि इंडिया नंबर वन पे नहीं है, हमें इस चीज़ पे फोकस भी करना चाहिए, इस चीज़ पे डिबेट करनी चाहिए कि भाई इंडिया में वुमेन की हालत ठीक क्यों नहीं है, हमें हमारे देश में तो रिफॉर्म करने चाहिए ना एटलीस्ट, बाहर की कंट्रीज़ में जो भी हो रहा हो कोई बात नहीं, हमें हमारे देश के अंदर तो हमें खुद के अंदर तो झांकना चाहिए ना, हमें खुद का गरीबान तो देखना चाहिए कि भाई हमारे देश में वुमेन की हालत इतनी ख़राब क्यों है, हमारे देश में रेप केस क्यों बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वुमेन का जो ट्रस्ट है वो सारी चीज़ें भी हमें आइडेंटिफाई करनी होंगी। इसके साथ ही देखो एक रिपोर्ट या एक इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा एक डाटा दिया गया है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि देखो हम इस चीज़ को, इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इंडिया में जो जो भी केस वगैरह है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उनकी रिपोर्ट वगैरह अभी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि देखो अभी आज के टाइम पे वुमेन एजुकेटेड होती जा रही हैं, वो आज के टाइम पे उनका भरोसा है पुलिस पे वो बढ़ा है, इसलिए वो अपने केस वगैरह पहले, क्राइम तो पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि वुमेन के अगेंस्ट क्राइम आज ही हो रहे हैं, क्राइम पहले भी होते थे बट पहले उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती थी और आज के टाइम पे रिपोर्टिंग बढ़ रही है, इसीलिए जो केसों की संख्या है वो भी बढ़ गई है। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो केसों की संख्या में कम ही आती जा रही है, गवर्नमेंट स्टेप भी उठा रही है और हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इसके लिए एक्शन है वो ले रही है। राइटर बाद में कह रहे हैं कि देखो वुमेन का जो इश्यू है ना उसको हमें काफ़ी संवेदनशील या काफ़ी सेंसिटिव लेना चाहिए और हमें स्टेप है ना कुछ उठाने ही होंगे, हमें एक्शन लेनी होगी और हमें सबसे बात अहम है क्या है कि हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। गवर्नमेंट और जब तक कम्युनिटी आप बोल सकते हो कि समाज ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगा तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। सोसाइटी में हम लोग ही रहते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम वुमेन की सेफ्टी के लिए स्टेप हम उठाएं, उनके साथ कोई भी समाज या कोई भी अगर एक्टिविटी होती है जिससे कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी या बोल सकते हो कि हमारी प्राइवेसी को भी अगर कोई इश्यू होता है तो उसके लिए हमें ही स्टेप उठाने होंगे, गवर्नमेंट तभी हमारी हेल्प यहाँ पे कर पाएगी। फिर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो वुमेन सेफ्टी का इश्यू है ना वो अकेले इंडिया का नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का एक इश्यू है। जिस तरीके से टेररिज्म है वो अकेले इंडिया से, इंडिया के लिए नुकसानदायक नहीं है, टेररिज्म से पाकिस्तान भी पीड़ित है, टेररिज्म से चाइना भी पीड़ित है, टेररिज्म से रशिया भी पीड़ित है, टेररिज्म से देखा जाए तो USA भी पीड़ित है, मतलब सभी कंट्री टेररिज्म से पीड़ित है। उसी तरीके से वुमेन का जो इश्यू है वो सभी कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा इश्यू है, तो इसके लिए सभी कंट्रीज को एक साथ लेवल पे या बड़े लेवल पे स्टेप उठाने चाहिए और वुमेन सेफ्टी को इंश्योर है वो करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉमन इशू है। इसके साथ ही राइटर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें हेल्थ के सेक्टर को भी फोकस करना चाहिए, वुमेन के साथ हेल्थ के एरिया में भी उनके ज़्यादा अहम है वो फोकस करना है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे देश में वुमेन को जो मैक्सिमली रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि लगभग देखा जाए तो हमारे देश में 58% जो वुमेन है उनको ब्लड की कमी रहती है, उनको एनीमिया का इशू है, वो एनीमिया डिजीज है वो रहती है। क्यों?
क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है। मतलब वुमेन के लिए हमें स्टेप तो उठाने होंगे ना उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। कल्चरल भी काफ़ी इश्यूज होते हैं इसके साथ, ट्राइबल इश्यूज भी होते हैं। कुछ ट्राइब ऐसी होती हैं जो वुमेन को पढ़ने नहीं देती हैं, वो अपने रीति रिवाजों के चक्कर में उनको फंसा के रखती हैं, तो उन चीज़ों से हमें आगे आना होगा। इसके साथ ही में रिलीजियस जो रीजन्स हैं, जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक का इशू था, वो भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यूज है वो कर सकते हैं। सेक्सुअल वायलेंस का पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे ऐड है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल में काफ़ी सारे डायमेंशन वो दी गई हैं, तो उन डायमेंशन को हमने यहाँ पे देखा है। काफी सारे अच्छे पॉइंट है इस आर्टिकल में, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन है वो कर सकते हो। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।